हमारे जगन्नाथपुरी में एक अर्जुन मिश्रा नाम के पंडा रहते थे और वो बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी भगवत गीता में उनकी बहुत निष्ठा थी। वे जब देखो तब भगवान नाम जप करते रहते थे और नाम जप से फुर्सत मिलती थी तो बहुत गीता पढ़ते थे, हमेशा गीता ही पढ़ते रहते थे। इसीलिए जगन्नाथपुरी के कुछ लोगों ने उनका नाम ही रख दिया था गीता पंडा, क्योंकि वो हमेशा गीता ही पढ़ते रहते थे ना, इसीलिए उनका नाम ही रख दिए थे गीता पंडा। एक दिन जो है उस जगन्नाथपुरी में बहुत जोरों से वर्षा आ गई और वर्षा के कारण जो है जितने भी फसल थे वो सारे फसल बह गए, सड़ गए, अब खेती हुआ नहीं। और भिक्षा भी मांगने जाते तो भिक्षा भी एक दो दिन भिक्षा भी नहीं मिला। अब जो है उनकी पत्नी रोज रोज कहने लगती कि आप कहीं दूसरे राज्य में जाइए, वहां से भिक्षा मांग कर लेके आइए। उस समय वो गीता पंडा जो है अपनी पत्नी को गीता का वह श्लोक दिखाते थे कि देखो हम सबको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, गीता में साक्षात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में जो लोग मेरी भक्ति करते हैं तो उनके पास जो वस्तु नहीं है वह मैं प्रदान करता हूँ और जो उनके पास वस्तु है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। हे देवी, साक्षात भगवान ये कह रहे हैं, अतः आप चिंता मत करो, आप भगवान नाम जप करो और जो भी हमारे पास भोजन नहीं है तो भगवान हमको भोजन देंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह से वह पंडा जो है लगभग दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तक अपने पत्नी को इसी तरह समझाते रहे, बच्चों को समझाते रहे, पांच दिन तक उपवास हो गया। अब जब पांच दिनों तक उनको भोजन नहीं मिला उस समय गीता पंडा जो है उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने गीता उठाया और गीता उठा करके वो जो गीता का श्लोक है ना उसको पंडा ने वो श्लोक को काट के निकाल दिए कि ये गीता में ये जो भगवान ने बात कही है ना ये बिल्कुल झूठी बात कही है भगवान ने, अगर ये सच होती तो हम लोग भगवान के आश्रित हैं, उनका भजन कर रहे हैं और पांच दिन हो गए अभी तक हमको भोजन नहीं दिए, ये गीता का वचन झूठा है। उसको काट दिए और काट करके कहीं घर से बाहर चले गए। और जैसे ही वो घर से बाहर गए उसी समय एक छोटा सा बालक का वेश बना करके साक्षात भगवान आए और एक टायर पर, एक बैलगाड़ी पर बहुत सारा अनाज लाद करके लेके आए। कई बोरा चावल था, कई बोरा गेहूं था, कई बोरा आटा था, कई बोरा चना था, दाल था, बहुत सारा राशन लेकर के आए, तेल लेकर के आए और आ करके दरवाजा खटखटाए। पंडा की पत्नी जो है दरवाजा खोली और जैसे ही उस पंडे के पत्नी ने उस बालक को देखा तो वह बालक इतना सुंदर था कि वो देखते रह गई। उस समय उस बालक ने कहा कि माँ, ये जो है ना ये सारा राशन जो है आपके घर पे रख लीजिए। तो उस पंडितानी ने पूछा कि ये कौन दिया है, कहाँ से आया है? तो भगवान ने कहा कि माँ, ये जो है ना मेरे गुरु जी है ना, उन्होंने ये सारा राशन भेजा है। तो उस स्त्री ने पूछा कि बेटा, मेरे गुरुजी का तो कोई चेला नहीं है, इतना सारा राशन कहाँ से आ गया? उस समय भगवान ने कहा कि मेरे गुरुजी हैं, वो उन्होंने ये सब भेजा है। तो उस स्त्री ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह से खून बह रहा था। तो पंडितानी ने पूछा कि बेटा, आपके मुंह से इतना खून क्यों बह रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो ना, आज मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन करने में थोड़ी सी देरी लगा दिया ना, तो मेरे गुरु जी ने बहुत मारा है, मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत मारा है, इसीलिए मेरा मुंह फट गया है। भगवान ने कहा कि माँ, जब गुरु जी आएंगे ना तो कह देना कि आपकी बार गलती हो गई, अगली बार से हम गलती नहीं करेंगे।
अगली बार से हम समय से राशन पहुंचा देंगे। इतना कहकर गए और ठाकुर जी वहां से चले गए। और जब वह पंडा शाम को जैसे तैसे भूखे घर पर आए और आ करके देखा तो घर का पूरा जो रसोई घर है पूरा राशन से भरा हुआ था। उस समय पंडा ने अपनी पत्नी से पूछा कि देवी इतना सारा अनाज कहाँ से आया। तो पत्नी ने कहा कि पतिदेव आप मजाक क्यों करते हैं, आपका ही तो एक चेला है वही लेकर के आया था ये सब। उस समय पंडित जी ने कहा कि मेरा तो आज तक कोई चेला ही नहीं है। और उस समय पत्नी ने कहा कि उसका जो मुंह है ना उसका मुंह भी कटा हुआ था, वो बता रहा था कि आपका कुछ आज्ञा पालन करने में देरी कर दिए तो आपने उनको बहुत मारा भी था, उनके मुंह से खून बह रहा था। उस समय पंडित जी रोने लगे कि देवी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो साक्षात मेरे ठाकुर जी थे। और ठाकुर ही एक बालक का वेश बनाकर हम सबको राशन देने के लिए आए थे। उस समय दोनों पति पत्नी भगवान के कृपा को विचार करके बहुत रोए और उसी दिन से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जो गीता का एक एक शब्द है वह गीता का एक एक शब्द सच है, भगवान ने गीता में जो कहा है भगवान उसको पूरा करते हैं। तो प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि भगवान ने इस लीला से हम सभी जगत के लोगों को शिक्षा दिया कि इस संसार में जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है ना तो जो वस्तु उसके पास नहीं है भगवान वह वस्तु उसे प्रदान करते हैं, और जो वस्तु है उस वस्तु की भगवान रक्षा करते हैं। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं ना कि हमारे परिवार में धन की कमी ना हो तो हम सब परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए।